हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग लेके आए चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स, दैट इज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। क्लियर। इससे पहले हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व की है सारी की सारी, और क्वेश्चन 2.4 का क्वेश्चन 1 भी सॉल्व किया है। आप लोग को ये ऑप्शनल एक्सरसाइज लगती है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना चाहिए ताकि इससे बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। और फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं बेझिझक, बिना हेजिटेशन के। और एक चीज याद रखें, पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया, सो मूव ऑन। आपको पढ़ना है, और सिर्फ मगअप करने के लिए नहीं, या फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं कि सर ने आपने सॉल्यूशन दे दिया, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, हमारा आंसर आ गया। लर्न, एक बार देखो समझ में आता है खुद से सॉल्व करो, फिर वापस नहीं समझ में आता वापस देखो फिर सॉल्व करो, बट कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज। क्लियर। सो हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken at 2 at a time and product of zeros। मतलब ये sum of zeros cubic polynomial है, means आपको दिया हुआ है alpha plus beta plus gamma equals to 2, फिर alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to minus 7। clear। और alpha beta gamma equals to minus 14। clear। ये सब चीजें दी हुई है, सो हम लोग देखेंगे, और इसके बेस पे आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। सो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है रिलेशन से, सो 2/1, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए यानी -7/1, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए यानी -14। तो इन तीनों रिलेशन से अगर आप देखो तो ए डिनोमिनेटर में है सबके, सो अगर रिलेशन निकाले माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 2/1 माइनस सॉरी डी बाई ए इक्वल्स टू -14/1 और सी बाई ए इक्वल्स टू -7/1। क्लियर। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है 1 के लिख सकता हूं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 1 है, सो ए तो 1 हुआ, दैट इज 1 के मतलब एक के ऐसा कोफिशिएंट है जो शायद कैंसल आउट हो गया होगा, सो ए इक्वल्स टू 1 के। तो रिलेशन से देखें तो b इक्वल्स टू -2k क्योंकि माइनस बी है इक्वल्स टू 2, और c इक्वल्स टू -7k और d इक्वल्स टू 14k, ये हमारा रिलेशन बनता है। सो k मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोई कोफिशियंट है जो शायद कैंसिल आउट हो गया हो इनके बीच में, यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशियंट होगा जो कैंसिल आउट गया, हमें नहीं पता शायद नहीं भी हुआ हो, बट हमारे अकॉर्डिंगली हमको कॉन्स्टेंट टर्म लेना है। सो फ्रॉम रिलेशन a इक्वल्स टू 1k, b equals to -2k, c equals to -7k and d equals to 14k। clear। so general form of cubic equation क्या होता है, ax cube plus bx square plus cx plus d, बस सबकी values रख दो। clear। so हमने सबकी values रख दी तो required cubic equation में k common हो गया, सब में k था तो k common, so x cube minus 2x square minus 7x plus 14, यहाँ पे k missing है but k आएगा, don't worry, ऐसा मत सोचे क्योंकि सब में k लगाया तो d ने क्या बिगाड़ा है भाई, आपका d को भी k लगा दो, पड़ोसी धर्म निभाओ यार, सबको दो। clear। so don't worry, this is the required cubic polynomial, आपका answer correct हो गया, कितना easy था। clear। उसी के base पे हम चलते हैं third question की तरफ। if the zeros of the polynomial x cube plus minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। देखो तीन जीरोस दिए हुए इन टर्म्स ऑफ ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, आपको बाकी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अल्फा इक्वल्स टू ए माइनस बी ले लिया, बीटा इक्वल्स टू ए ले लिया और गामा इक्वल्स टू ए प्लस बी ले लिया, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3 है। ये तो नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया है। अब रिलेशन से, फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, सो माइनस बी ए माइनस बी क्या है, बी माइनस बी मतलब माइनस 3 का माइनस, सो 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3, तो दोनों को इक्वेट करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3 इक्वल्स टू 3, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1, ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया, एक ए की वैल्यू हमारी आ गई है, अब हमको क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, नाउ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी, तीनों हो गया अल्फा बीटा गामा, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, सो 1 रख दिया मैंने, ओके, सो अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 माइनस,
यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, a नहीं है, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, मतलब ये फॉर्मूला लगता है, हमारा फॉर्मूला किसका लगता है, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी का, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। और अल्फा बीटा प्लस गामा रिलेशन से क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी मीन्स प्लस वन, प्लस वन का माइनस करेंगे तो माइनस वन अपॉन वन, सो माइनस वन आएगा। सो क्वेश्चन फोर और फाइव को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन फोर और फाइव को, सो फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, सो बी स्क्वायर इक्वल टू टू, क्योंकि उस तरफ जाएगा क्वेश्चन वन, ये जो वन है आपका इस तरफ आएगा, सो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू टू, सो बी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट टू। लो, a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई, therefore a equals to 1 and b equals to plus or minus root 2, plus or minus root 2 आप बोलोगे क्यों, तो भाई जब स्क्वायर का रूट उस तरफ जाता है तो हमेशा प्लस और माइनस वन रूट टू लेना, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, खाली रूट यानी खाली प्लस या खाली माइनस नहीं लेते हैं, क्योंकि दोनों प्लस रूट टू का भी स्क्वायर टू होता है और माइनस रूट टू का भी स्क्वायर टू होता है। देखो प्लस रूट टू का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो भी टू होगा, माइनस रूट टू का स्क्वायर करूँ तो भी टू ही होगा, सो दैट्स वाई हम लोग दोनों ही वैल्यू लेते हैं, कंसिडर करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा आई थिंक कोई एक्सरसाइज 2.3 में, बट थोड़ा सा रिलेटेड ही है। वी हैव टू फाइंड आउट इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x रेस्ट टू 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर जीरोस। देखो x रेस्ट टू 4 है, दो जीरोस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2 प्लस और माइनस 2 प्लस रूट 3 और एक दिया हुआ 2 माइनस रूट 3, तो दो जीरोस दिए हुए हैं, बाकी के दो फाइंड करने होंगे क्योंकि 4 है, x रेस्ट टू 4 है पावर, तो चार रूट्स होंगे, दो दिए हुए हैं, दो फाइंड करने हैं। सो कैसे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल्स टू जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, यानी एक हो गया अल्फा और दूसरा बीटा, तो हमने बताया था x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेके हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको इस पॉलिनोमियल डिविडेंड को इससे डिवाइड कर देते हैं। सो x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब ये देखो यहाँ पे a x माइनस 2 हम लोग ले लेते हैं, a को x माइनस 2 सपोज, b हो गया माइनस 3 मीन्स b हो गया हमारा रूट 3, सो यहाँ पे भी इक्वेशन बन गया, कैसा इक्वेशन बन गया, a माइनस b a प्लस b वाला, तो वापस यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, a हमारा x माइनस 2 है और b हमारा रूट 3 है, क्लियर। सो a स्क्वायर मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a मेरा x माइनस 2 है और b हमारा रूट 3 है, क्लियर। सो सेम x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3, क्लियर। सो x माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3, सो g ऑफ x हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब सिर्फ कितना क्या करना है आपको, इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। सो डिवीजन हम लोग देखेंगे फ्रॉम हियर, डिवीजन हो जाने के बाद आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसको सिर्फ फैक्टराइज करना है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ जो दो जीरोस मिसिंग है वो जीरोस मिल जाएंगे। सो क्या करते हैं हम लोग, कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म को देखते हैं दोनों के, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स रेस टू 4 है, मीन्स एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स रेस टू 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x स्क्वायर दैट इज माइनस 4x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सॉरी 6x स्क्वायर नहीं प्लस x स्क्वायर, क्लियर। सो साइन चेंज, प्लस की माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सो ये टर्म कैंसिल जीरो, ये माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर मीन्स माइनस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मीन्स माइनस 27x स्क्वायर। अब प्लस 138x को मैं नीचे उतार देता हूँ, वापस फर्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, सो माइनस 2x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता है माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 4x मीन्स प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 मीन्स माइनस 2x, साइन चेंज, सो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सो ये तो कैंसिल हो गया जीरो, ये हो गया माइनस 27 माइनस 8 सो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 138 प्लस 2 मीन्स 140 और
-35 को हमने नीचे उतार दिया। अब देखो, अब आप डायरेक्टली देखो, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे माइनस ए सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -35x² है, तो सिर्फ -35 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि -35x² -35 × -4x मीन्स +140x, -35 × +1 यानी -35, सो साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो आपको एक्स स्क्वायर मिल चुका, मीन्स जी ऑफ क्वेश्चन मिल चुका है, सो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -35 = 0। अब आपको क्या करना है, इसको 35 को मल्टीप्लाई 1 किया तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आ जाए आंसर 35। सो हम लोग एक्स 35 यानी 7 × 5 = 35 और -7 + 5 दैट इज -2x, क्लियर, -7 + 5x अगर मैं करूं तो -2x होता है, तो बस वही मैंने किया है। सो एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू सेवन एक्स इक्वल टू -5, ऑल द रूट्स ऑफ द पी एक्स आर 7 - 5 - 2 - √3 and 2 + √3 यानी चारों के चारों रूट्स हमको मिल चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गया? बाय द वे समझो, थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करो, खुद पहले ट्राई करो, यहाँ पे फिर देखो वापस ट्राई करो, नहीं आता है तब तक देखते रहो, ट्राई करते रहो, तो यू विल गेट द आंसर। और बर्डन लेके नहीं, वन बाय वन क्वेश्चन करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग, मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर बर्डन लेके नहीं करोगे तो ट्राई टू रिकलेक्ट, लॉजिक लगाओ, समझो उस चीज को और अच्छे से करने की कोशिश करो। चलो हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल (x^4 - 6x³ + 16x²-25x + 10) is divided by another polynomial that is (x²-2x + k), the remainder comes out to be (x + a). Find the value of k and a. देखो, जब इसको इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर x plus a आता है। चलो x plus a आता है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको डिवाइड करना पड़ेगा। So p of x आपका हो गया, g of x आपका (x²+-2x+k). क्लियर? कैसे? सेम चीज, सब कुछ बराबर है। फर्स्ट टर्म को देखो तो एक्स स्क्वायर और (x^4) मीन्स (x²) से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। (x²) से मल्टीप्लाई किया तो (x²) × (x²) दैट इज (x^4), (x²) × -2x मीन्स -2x³, (x²) × +k मीन्स +kx². सो यहाँ पे साइन चेंज, तो ये तो जीरो हो गया। -6x³ + 2x³, सो -4x³, और यहाँ पे 16 - kx², क्लियर, क्योंकि k का कोई वैल्यू नहीं है तो k को हमको एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म के तौर पे लेना पड़ेगा। अब हम लोग -25x को उतार देते हैं। नाउ फर्स्ट टर्म वापिस देखेंगे, (x²) और -4x³, तो -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -4x³ -4x - 4x मीन्स +8x² -4x × k तो -4kx, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज, सो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 16 - k - 8, देखो 16 - k - 8 -16 - 8 कितना होता है 8, तो 8 - kx² हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ, जैसे 16 - k × x² था और ये -8x², क्लियर। सो 16 - k × x² कॉमन अगर मैं निकालता हूँ तो 16 - k - 8x², सो 16 - k का क्या हो गया 8 - kx², सो बस वही आंसर यहाँ पे भी आया है। सो एंड यहाँ पे -25x - 4k, सो x कॉमन, सो -+4k - 25x। अब +10 को उतार दो, अब दोनों में डिफरेंस देखो x² और यहाँ पे 8 - kx², तो आपको 8 - k से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 - k से मल्टीप्लाई किया तो 8 - kx², यहाँ पे आ गया 8 × 2 मीन्स 2k, देखो माइनस, अब ये क्या है, 8 - k को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था तो मैं 16 - 2k लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस के था, यहाँ पे भी -2 था तो -± प्लस, तो ये हो गया 2k - 16, और कॉमन x जो है वो कॉमन में ही रहेगा, क्लियर। और 8 - k × k किया तो 8k - k² k मल्टीप्लीकेशन में आ गया सिर्फ। सो साइन चेंज, +2 - +2 - +2 - सो ये तो टर्म जीरो हो गया। नाउ यहाँ पे देखो 4k - 25, क्लियर, यहाँ पे -2k और +16 क्यों माइनस चेंज किया तो
माइनस टू के प्लस टू के, फोर के माइनस टू के कितना होता है प्लस टू के, और माइनस 25 प्लस 16 क्या होता है माइनस 9। सो ये आंसर आ गया यहाँ पे। नाउ इस तरफ क्या था, इस तरफ तो डायरेक्टली, सो 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया हमारा आंसर, रिमाइंडर मतलब एक तरफ से। अब क्या बोला गया है कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। सो हम लोग रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए दिया हुआ है, उसको कंपेयर करें हियर बाय डिवीजन, आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के माइनस 9 के एक्स और 10 माइनस 8 ए प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट करें। तो देखो x में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का क्या है 2 के माइनस 9, सो मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल्स टू 2 के माइनस 9। सो यहाँ पे माइनस 9 जो है उस तरफ जाएगा, सो 10 इक्वल्स टू 2 के, सो k इक्वल्स टू कितना आया 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 के माइनस 9 इक्वल्स टू 1, सो k इक्वल्स टू 5, क्योंकि माइनस 9 उस तरफ गया तो 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a इक्वल्स टू 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, और k की वैल्यू हमारे पास है, सो k की वैल्यू रख दी 5, सो 8 माइनस 8 इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, सो 10 माइनस 40 प्लस 25, सो यहाँ पे हो गया 35 माइनस 40 यानी माइनस 5। सो k और a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 एंड 5, क्लियर। ये था एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन यू कहूंगा, क्लियर। सो प्लीज फॉलो दिस थिंग्स और अच्छे से समझें, बार बार ट्राई करें, नहीं होगा तो वापस आपको बताया जाएगा, आप अगेन एंड अगेन चेक कीजिए, दूसरे कोई क्वेश्चंस डाउट में आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं दूंगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि कुछ अलग हट के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स के लिए, सो आई विल बी गिविंग यू, बट बिफोर दैट प्रैक्टिस दिस थिंग्स, सो ये आपको मिलना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, और फॉलो इसी तरह से करते रहे ताकि हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे और समझ भी आ जाए, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच, और डिजिटल मैथ्स पे आप भी बने रहें, अपने फ्रेंड्स का भी सॉल्यूशन हो जाए, डाउट सॉल्यूशन हो जाए तो उनको भी बताएं, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।